मैं हूं अनुराग दीक्षित। सुबह के 12 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा से सामने आ रही है, जहां पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। गर्मा गर्म बहस और हंगामे के बीच दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों में नोकझोंक देखने को मिली है। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी के कई विधायकों को सदन से बाहर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा से, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच में नोकझोंक हुई है। और देखिए, जो खबर हम आपको बता रहे थे वो दिल्ली विधानसभा के भीतर की थी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली विधानसभा के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा से जुड़ी, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली विधानसभा के बाहर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है और किस तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर से। तो एक तरफ दिल्ली विधानसभा के अंदर जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच नोकझोंक होती है, बीजेपी के विधायक को ओपी शर्मा को एक दिन के लिए निलंबित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की जा रही है। काले झंडे कांग्रेस के नेताओं के हाथ में है और ये बुजुर्ग शख्स यहाँ बैरिकेडिंग को पार करता है, दिल्ली पुलिस हिरासत में लेती है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर की, ये तस्वीरें हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के नेताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। अलका लांबा की भी पुलिस से झड़प हुई है। जो जानकारी मिल रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है दिल्ली विधानसभा के बाहर। ये हंगामे की तस्वीरें दिल्ली विधानसभा के बाहर की हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं और इन बैरिकेड्स के बीच कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली विधानसभा के बाहर। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। मोहित, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर दिखाइए जरा। देखिए, मैं जहां पर खड़ा हूं यहां भाजपा का प्रोटेस्ट अभी होना है और यहां पर तैयारी देख लीजिए, पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और बैरिकेटिंग, डबल लेयर की बैरिकेटिंग की गई है और साथ साथ वाटर कैनन जो है उसका भी इंतजाम किया गया है कि अगर विधानसभा सत्र क्योंकि जारी है तो ऐसे में किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिर उस मोहित यानी कुल मिलाकर दो अलग अलग लोकेशन है। एक लोकेशन वो जहां पर बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं वहां पर कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोशिश करेंगे मोहित से संपर्क करने की। तो कुल मिलाकर लगातार दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और विधानसभा के गेट के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जाना है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, वाटर कैनन को भी तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ देखिए, एक बार फिर रुक करते हैं, मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, विधानसभा की दो अलग अलग जगहों पर दोनों पार्टियों का प्रदर्शन? जी बिल्कुल, दो अलग अलग जगहें हैं, दोनों ही पुलिस ने क्योंकि कांग्रेस के लिए संत परमानंद अस्पताल के पास रखा है, प्रदर्शन करने की इजाजत दी थी और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बीजेपी के लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और आप पूरे इंतजाम देख लीजिए किस तरीके से पूरा अमलीजामा यहाँ पर पहनाया जा रहा है सुरक्षा को, और आप देख सकते हैं किस तरीके से वाटर कैनन लगाई गई है और तमाम सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ मौजूद हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के हों चाहे सेंट्रल रिजर्व फोर्स के हों, यानी कि कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है क्योंकि विधानसभा सत्र जारी है। और बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर कि लगातार जो है वो बहुत सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो डीटीसी की दिक्कत हो, पानी भरने की दिक्कत हो, या फिर उसके अलावा पानी घर में पानी आने की दिक्कत हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इनको उठा रही है। लेकिन सवाल ये है कि उनको यहां से आगे नहीं लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर। मोहित, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे तमाम अपडेट लेंगे। लेकिन कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली की राजनीति गर्म है, उसको देखते हुए केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आपको दिखा रहे हैं सत्र की शुरुआत होते ही, आप तस्वीरों में देखिए जिस तरह से लगातार केजरीवाल को भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो सिविल लाइन में पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है किस मुद्दे पर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? आप देख रहे हैं दिल्ली में पानी के फ्री बिजली के नाम पे जो वोट लेने आए थे, आज वो पानी और फ्री पानी ना आता, गंदा पानी आता है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। आज हम अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ केजरीवाल जी के पास बोलने आए कि अब दिल्ली में कम से कम पानी तो दो, जिस नाम पे तुमने वोट लिया था पानी आता नहीं है। बसें आप देखो, बसें आप लोगों ने कैसे फ्री करके महिलाओं के लिए। देखिए ये सरकारें मिलकर जनता को लूट रही हैं। 102 रुपए पेट्रोल आज दिल्ली में बिक रहा है, लेकिन वैट को कम करने को, टैक्स कम करने को न केजरीवाल न मोदी दोनों के दोनों जो है तैयार नहीं है, ना सुन रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ऑक्सीजन से लोग नहीं मरे। तो यहाँ पे लोग गंदा पानी पी के और सब बीमारियों से त्रस्त होकर सब चीजें महंगी खा के उनमें जान ही नहीं रही, उनका खून निकाल लिया गया है, वो आज बोल ही नहीं पा रहे। सत्र की शुरुआत होने से पहले आप लोगों का ये प्रदर्शन है एक तरह से देखा जा रहा है, तो ये मांग आप लोग रखते हैं कि भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे मुद्दे जो है वो जनता के, दिल्ली की जनता के सामने रखे जाएंगे? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि ये रखें, लेकिन हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जो सरकार सुन ही नहीं रही लोगों की, पेट्रोल के दाम नहीं कम कर रही, खाने की चीजों के दाम कम नहीं कर रही, किसी को मदद नहीं कर रही, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सदन में भी इस बात को नहीं रखेंगे, क्योंकि कमी तो उन्हीं की है।